नमः शिवाय मेष राशि वाले जातकों के लिए ये महीना धन की दृष्टि से बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर वो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, व्यापार की दृष्टिकोण से अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो ये बहुत उचित समय है उनके लिए, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। और इस महीने आपके घर में हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम फंक्शन हो और जिसमें कि आपके घर में बहुत खुशहाली का माहौल आए। इस समय आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपके खर्चे जो बढ़ रहे हैं उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय अगर आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में या शेयर में सही डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। प्रेम संबंधों में थोड़े से उतार चढ़ाव हो सकते हैं, खर्चों में थोड़े से बस आप कंट्रोल करिए। और अगर आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा। हो सकता है कुछ हिडन आपके शत्रु आपको परेशान करें, उसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये समय ऐसा है जिस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें आपकी थोड़ी से क्रोध की वजह से, वाणी पे नियंत्रण ना होने की वजह से झगड़े बहुत बढ़ सकते हैं, तनाव की स्थिति आ सकती है। करियर के दृष्टिकोण से अगर हम इस महीने को देखते हैं तो दशम भाव के स्वामी शनि पूरे महीने इस समय आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपको जो है बहुत इंथुजियास्टिक बनाएंगे, आपको कड़ी मेहनत करने की बहुत ज़्यादा शक्ति देंगे। इस समय अगर आपने मेहनत अच्छे से की तो आपको सफलता भविष्य में ज़रूर मिलेगी। आपके अधिकारियों के साथ आपकी एक अच्छे तालमेल इस समय स्थापित रहेंगे। छठे भाव के स्वामी बुध दूसरे भाव में शुक्र बृहस्पति और सूर्य के साथ स्थित है, जिससे आपके विरोधी आपको परेशान तो जरूर कर सकते हैं लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप अगर जो है कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन होंगे। आपके राशि में मंगल चूंकि मेष राशि पे ही विराजमान है, जहाँ वहाँ से डायरेक्ट उनकी सीधी दृष्टि सातवें भाव पे पड़ रही है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारे प्रोज एंड कॉन्स को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लें, अदरवाइज आपको बहुत हैवी लॉस हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीनों में थोड़ा सा अप एंड डाउन होने की संभावना है, क्योंकि राहु और चंद्रमा की युति 12वें भाव में बन रही है, जिसकी वजह से ये ग्रहण योग बना रहा है और आपके व्यय भाव में होने के कारण आपके व्यय में बहुत बढ़ोतरी कर सकता है। अनायास आपके खर्चे हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अपने खर्चों पर कटौती करके व्यर्थ में खर्चे करने से आप बचें। दूसरे भाव में बृहस्पति सूर्य शुक्र और बुध की उपस्थिति से यह साफ समझ में आता है इस समय आपके धन का आगमन बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आप अपने धन का इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करते हैं तो आपको बहुत हैवी बेनिफिट मिल सकता है, इस समय का आप लाभ उठाएं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा आपके लिए अप एंड डाउन वाला होने वाला है। मंगल चूंकि आपकी राशि में स्थित होकर है तो आपको थोड़ा शारीरिक रूप से इंथुजियास्टिक भी बनाएंगे और थोड़ा आपको कर्मठ बनाएंगे। अगर आप शारीरिक व्यायाम, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत अच्छी होगी। 12वें भाव में राहु की स्थिति आपको थोड़ी शारीरिक समस्याएं दे सकते हैं। दूसरे भाव में सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र की युति भी आपको थोड़ी समस्या दे सकती है। आंखों से संबंधित, आंखों में जलन से संबंधित, पैरों में दर्द माइट भी आपको हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। 12 जून को जब शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होगा और 14 जून को बुध का भी गोचर तीसरे भाव अर्थात मिथुन राशि में हो जाएगा, 15 जून को सूर्य भी आपके तीसरे भाव में आएंगे, उस समय आपकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में आपको थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य दूसरे भाव में बृहस्पति शुक्र और बुध के साथ स्थित है, जिसके कारण आपके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। आप अगर खुलकर अपने पार्टनर के साथ बातें करते हैं तो आपके बीच में एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकती है और आपके बीच में निकटता बढ़ सकती है।
ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है आपके लव मैरिज के लिए। आपके परिवार और रिश्तेदारों से आपको भरपूर सहयोग मिलने की हाई चांसेस है। परिवार के लोग, विशेषकर आपके भाई बहन, मित्र, ये सब आपको इस समय सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप, ये सही समय है अपने परिवार वालों के समक्ष अपने विवाह के प्रस्ताव को रखने की। जो शादीशुदा लोग हैं उन्हें बस अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से अदरवाइज आपके घर में कलह हो सकती है। 12 जून को शुक्र का गोचर तीसरे भाव में अर्थात मिथुन राशि पे होगा, तो उस समय अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो दूसरे भाव में शुक्र अपनी ही राशि वृष राशि पे है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके साथ बृहस्पति और बुध की और सूर्य की युति बन रही है, जिसके कारण से आपके परिवार के बीच में एक अच्छा संबंध और रैपो आपका बन सकता है। आप कोई भी निर्णय जो ले रहे हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से, उसे बहुत सोच समझकर आपसी वार्तालाप कर करके, एक दूसरे की बातों को अच्छे से सुन करके सही निर्णय लेने की कोशिश करें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अगर आप के का कोई असेट है जिसे आप बेचना चाह रहे हैं, तो ये बहुत सही समय है अपनी संपत्ति को विक्रय करने का। आपको अच्छा प्रॉफिट इस समय हो सकता है। बस इस समय किसी भी प्रकार के पारिवारिक डिस्प्यूट से आप बचने की कोशिश करें, जो आपके लिए शुभ रहेगा। परिवार में कोई एक अच्छा कार्यक्रम भी होने की हाई चांसेस है, उत्सव जैसा माहौल रहेगा। इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का पूर्ण ख्याल रखना है, अदरवाइज कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इस महीने को शुभ बनाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप सूर्य देव को जल दें, आपके लिए शुभ रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको बहुत फलकारी होगा। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके दर्शन और पूजन करना आपके कई समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। नमः शिवाय।